हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे आरटीआई लगाते रहता हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ कितनी पोस्ट खाली कितनी पोस्ट खाली नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट आरटीआई लगाने हैं, तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, और किसके लिए लगाने वो भी आप लिख सकते हो। तो आज जो यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो DFCCIL की तरफ से एक रिप्लाई आया है 21/7 की तारीख में, यानी 21 जुलाई की तारीख में, वो देख नहीं पाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 जून को मैंने यहाँ पे आरटीआई लगाए थे, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे आप देख सक तो इसमें मैंने सिंपली पूछा गया था यहाँ पे कि हाउ मैनी पोस्ट आर वैकेंट। यहाँ पे देख सकते हो हाउ मैनी पोस्ट आर वैकेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट, जो आपकी 2021-20 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे मैंने पूछा गया था, आप इसको देख सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट N5 और N7 के लिए। लोको पायलट होता है आपका जो कैप्टन होता है, को कैप्टन, और आपके जो कैप्टन होता है यहाँ पे लोको इंस्पेक्टर की, और क्रू यहाँ पे कंट्रोलर की। तो यहाँ पे तीन के लिए यहाँ पे पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया है यहाँ पे टोटल 2768 यहाँ पे पोस्ट वेयर क्रिएटेड, मतलब क्रिएट हुई है, मतलब 2020 के बाद में 2022 तक यहाँ पे 2768 पोस्ट यहाँ पे आपके क्रिएट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट, जो आपके LP होता है, एंड लोको पायलट एंड लोको इंस्पेक्टर और क्रू कंट्रोलर, मतलब इन सभी के लिए लगभग आपके 2768 पोस्ट यहाँ पे आपके वैकेंट बताई जा रही है इसमें, मतलब क्रिएट हुई है। तो आप क्रिएट हुई तो मतलब कह सकते हो कि अभी खाली इनके पास बनी है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया होगा, बहुत सारे कर्मचारी रिजाइन कर दिए, और वो भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हुई होगी। तो यहाँ पे अभी ये आपके लिए है कि आपके इसमें लोको असिस्टेंट लोको पायलट लोको चीफ इंस्पेक्टर और क्रू कंट्रोलर के लिए यहाँ पे 2768 पोस्ट, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट इसमें खाली गई है, और ये आपके 18 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 18 नहीं, अब तो 17 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगी, जल्द से जल्द आने की संभावना है। 2023 एंड में नहीं आएगी, 2025 में तो आप 100% देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट पूछा गया था, व्हेन विल द नोटिफिकेशन रिलीज फॉर दोस पोस्ट, इन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज कब किया जाएगा। तो यहाँ पे जवाब दिया ना, एक्शन फॉर द फिलिंग अप दैज दोज पोस्ट विल बी टेकन एज द पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस DFCCIL इन फ्यूचर। तो यहाँ पे फिलिंग अप का जो पूरा प्रोसेस है वो DFCCIL की तरफ से लिया जाता है, रिक्वायरमेंट पर जैसे उनको ज़रूरत होती है यहाँ पे, उसी के अनुसार आपके फ्यूचर में आपको ये रिक्वायरमेंट ले ली जाएगी। तो मतलब आपके 2023 तक आपको देखने को मिले ही मिले, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री PMO ने ट्वीट करके भी बताया, आपको पता ही है कि PMO ने ट्वीट करके बताया है कि आपके 18 महीने के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, जिसमें 10 लाख पोस्ट खाली है, जिसमें 3 लाख तो आपके रेलवे के, और रेल के अंदर ही आपके DFCCIL भी आता है। तो यही था इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।